हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका नोनी भाई, स्वागत है भाई आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो भाई सामने अपने खड़ी हुई है हुंडई की ऐसी गाड़ी जो कि भाई इतनी ज्यादा बिकती है, और इस सेगमेंट की बात करें ना तो भाई कुछ ज्यादा ही बिकती है गाड़ियां, क्योंकि आप देख सकते हो ये एंट्री सेगमेंट की एक हैचबैक कह सकते हो, साथ ही में पीछे वैगनार हो गई। अभी यहां से भाई देख लो कितनी दिखेंगी आपको, टियागो वगैरह, ईओन वगैरह सब एंट्री सेगमेंट है भाई। और इस सेगमेंट में इतनी गाड़ियां बिकती हैं, और जिसमें कि भाई ये लगा लो 30-40% कवर जो कर रखा है ना, वो अकेली भाई ग्रैंड आई 10 ने कर रखा। इतनी ज्यादा रोड पे आपको देखने को मिलेगी ये, क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात तो एक तो हो गई हुंडई की रिलायबिलिटी, साथ में प्राइसिंग इसकी जो कॉस्ट करती है। अब भाई पूरा ओनरशिप शूट करेंगे इसका, क्या क्या ओनर को समस्या आई, क्या नहीं आई, और क्या क्या जो है उनको इसमें अच्छाइयां देखने को मिली, क्या बुराइयां देखने को मिली। हालांकि भाई ये भी अपने यूट्यूबर ही हैं, आप जैसा कि देख सकते हो ये रहा लोगो रौनक मोटर एजी के नाम से है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी भाई सीधा ओनर को इंट्रोड्यूस करते हैं और उनसे पूछते हैं भाई कैसा कैसा उन्होंने इसको बना रखा है और क्या उनका एक्सपीरियंस है हुंडई को लेके। तो भाई देरी ना करते हुए सीधा ओनर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि अपने रौनक भाई हैं। क्या हाल है भाई? हाय भाई, कैसे हो सब सब्सक्राइबर्स? भाई मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, बाकी ऑडियंस भाई आप भी बता दो कमेंट्स में कि कैसे हैं भाई, का पूरा जवाब देना चाहिए। बढ़िया, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, मौसम बढ़िया हो रहा है भाई, साथ में बढ़िया बढ़िया गाड़ी लेके खड़े हुए हो। कौन सी गाड़ी है? मतलब है तो ग्रैंड आई 10 सबको पता है, लेकिन भाई कब ली थी, कितने की ली थी और ग्रैंड आई 10 क्यों ली थी? भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पहले ना इस i20 चला रहा था मैं, इससे पहले ना। अच्छा, तो ना i20 को लेने के बाद हुंडई का मैं हो गया था फैन भाई। जब हमने ली ना 2017 में i20 ली थी, तो भाई उस टाइम i20 का क्रेज, सबको पता i20 का क्रेज था 2017 में। नहीं, ये बात थोड़ी जमी नहीं, i20 लेने के बाद आपको क्रेटा की तरफ अपग्रेड करना चाहिए था। वो ही बता रहा हूँ ना कि ना पता क्या हुआ भाई, फिर ना हुआ कि ना भाई i20 चलाने का पता चल गया भाई हुंडई की ना माइलेज तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। और ना फिर ये हुआ कि ना भाई मेरे को ना रनिंग ज्यादा हो गई मेरी ना एकदम ही ना, 2020 में आने के बाद जैसे लॉ में एंटर किया तो रनिंग ज्यादा होगी, तो मैंने सोचा सीएनजी पे स्विच कर लेते हैं। तो सीएनजी पे स्विच करने के बाद बहुत सोच समझ के बाद i10 से बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है भाई, मिनी हैचबैक ट्रैफिक के हिसाब से भी और पार्किंग के हिसाब से भी, कहीं भी गाड़ी लगा लो और एवरेज तो भाई बढ़िया है ही। अच्छा, ये सीएनजी पे है? हाँ, प्रीमियम क्वालिटी है, नहीं कहीं भी लोगो दिखा नहीं ना मेरे को, ठीक है हटा रखे ना भाई। बोलना डिग्गी बूट खोलो इसमें, देखते हैं कितना स्पेस बचता है। स्पेस तो मेरे को लगता नहीं है कुछ है स्पेस इसमें, स्पेस तो यार बहुत कम है इसमें, मतलब ना के बराबर ही है, पर टायर वगैरह सब इसे एक्सेस आ जाता है, सब चीज आ जाती है। और मैं कहूंगा भाई ये मेरे पास एयर ये भी है, तो भाई ये सबके पास होना चाहिए अपनी गाड़ी के लिए। बिल्कुल भाई, ये एयर इन फिल्टर अगर रखोगे ना तो कोई दिक्कत आती ही नहीं, मतलब आजकल ऐसे टायर होते हैं जो नॉन मतलब होते हैं ट्यूबलेस, तो भाई और इसमें हवा डाल के चल गया। अच्छा भाई, कौन से ईयर में ली थी वैसे आपने? 2020 में भाई, नवंबर 2020। तो 20 में कितने की पड़ गई थी? पड़ी थी 740 समथिंग की पड़ी थी, 740 की। तो उस समय आपके पास और भी तो ऑप्शंस थे सीएनजी में, जैसे कि भाई एक यहाँ पर खड़ी है अभी 2020 की है वैगनार। ना वैगनार नहीं, मतलब बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से यार, मतलब मारुति का यार वैगनार, थोड़ा ओला कैब नहीं चलानी यार, तो इसलिए ना मतलब कहाँ से ओला कैब लग रही है आपको ये गाड़ी? ये वाली तो भाई अपग्रेड हो गई है, पर तब तो पता नहीं था इसका, मेरे को तभी आ चुकी थी। मेरे का भाई पसंद शुरू से हुंडई ही है भाई। अच्छा, अभी मैं स्विच करना चाहूंगा ना, तो हुंडई की जो बहन है ना भाई, किया पे स्विच करना चाहूंगा मैं राइट नाउ, मगर अभी मेरे को ये गाड़ी छोड़नी हो और किसी पे स्विच करना तो मैं किया पे स्विच करूंगा भाई, कंपनी पे किया पे जाऊंगा मैं। मतलब कोरियन ब्रांड बहुत पसंद है आपको? कोरियन ब्रांड नहीं भाई, प्रीमियम क्वालिटी लगती है भाई, अंदर बैठ के इंटीरियर देखा और इससे तो बहुत बढ़िया इंटीरियर है, मतलब बजट के हिसाब से। तो चलो भाई देख लेते हैं कितना बढ़िया इंटीरियर है, और साथ ही में बात करें वेरिएंट की, कौन सा ये स्पोर्ट्स है? ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है भाई, सीएनजी में टॉप वेरिएंट है। अच्छा, सीएनजी में टॉप मॉडल है, एस्टा में सीएनजी देती नहीं? एस्टा में सीएनजी नहीं आती। चलो भाई, तो ये सीएनजी लेने का भी ये था कि टॉप मॉडल ले लेते हैं, सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात? वैसे तो टॉप मॉडल ही हो गया, सारे फीचर मिल ही रहे हैं, अलॉय व्हील तक मिल गया। आस्था का दो छोड़ के, दो तीन चीजें फीचर छोड़ के सारी चीज है इसमें, वो कूल ग्लव बॉक्स है। अच्छा, आस्था में टॉप मॉडल वेरिएंट में, पीछे वाइपर है, ठीक है, और मतलब एक कंट्रोल हो रहा जाता है, मतलब हैंडल्स पे कंट्रोल बढ़ जाते हैं, बाकी कोई बाकी सब चीज सेम है। अच्छा, उसमें पुश बटन आ जाता होगा ना? पुश बटन स्टार्ट, पुश बटन स्टार्ट, वही ना, थोड़ी बहुत तीन चार फीचर्स का फर्क है, बाकी पैसे का बढ़ जाता है और अलॉय व्हील सबके सेम है। बिल्कुल बिल्कुल, मैग्ना में तो देते नहीं है। मिला के लुक तो भाई ऑब्वियसली पूरी की पूरी सेम ही आने वाली है। आप चाहे एस्टा देख लो और चाहे आप भाई देख लो स्पोर्ट्स, तो दोनों की दोनों ही है, लगभग लगभग सेम ही आएगी। डीआरएल्स वगैरह सब मिल जाते हैं इसमें, सब 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 सब। चलो भाई अंदर चल के देखते हैं कितना प्रीमियम इंटीरियर देखने को मिलता है। बैठो 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 बैठो, आ जाओ भाई। मारुति के हिसाब से प्रीमियम बताया है, मारुति के हिसाब से प्रीमियम बताया भाई। अच्छा अच्छा, चलो भाई अंदर बैठते हैं भाई। वैसे देखो प्रीमियमनेस तो कहीं ना कहीं फील होती है, क्योंकि भाई, भाई ये सब है ना मारुति में आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम। उस वक्त तो VXI मॉडल में सीएनजी आ नहीं रही थी, सिर्फ LXI में थी और उसमें कोई म्यूजिक सिस्टम ही नहीं आता था। तो वही मैं कह रहा हूँ ना भाई, थोड़ा फर्क पड़ता है भाई।
उसमें है ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल ZXI में भी नहीं है वो तो। तो कितने कितने का है वो अपने आप वाला जो वेरिएंट पीछे खड़ा हुआ है? ये मैंने 560 की ली थी उस वक्त। हाँ तो मतलब कि टॉप वेरिएंट कितने का है? ये टॉप वेरिएंट अपना नहीं है, बेसिक वाला है। नहीं टॉप कितने का है अपना? टॉप तो उस वक्त आ ही नहीं रहा था, यही बेस था यही टॉप था। अच्छा 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 अच्छा। नहीं मतलब पेट्रोल में टॉप कितने का है? पेट्रोल में टॉप भी होगा इस वक्त लगभग 8 लाख के आसपास। उसमें है ऑटोमेटिक क्लाइमेट? नहीं उसमें भी नहीं है। देख लो हुंडई का देख लो अभी ना, मतलब कि मैं कल गया था शोरूम में, जो उसका फेसलिफ्ट आया उसमें बेस वेरिएंट जो मैग्ना है, मैग्ना में नहीं आता ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ना। अच्छा। उसमें नॉर्मल वाला आता है, स्विच वाला, मतलब 1 2 3 4 वाला। हाँ, वो वाला आता है, वो बढ़िया है मेरे साथ है ना वो भाई, वो बढ़िया है भाई। ऐसे लगता है कि ज्यादा कूलिंग करता है वो। सारे ही बढ़िया है, मतलब कोई भी है ना, इसको भी आप 23 पे करके चल रहे हो? मैं 23 पे करता हूँ भाई, बार बार मौसम सही होता है। लो पे करोगे बढ़िया कूलिंग करेगा। लो पे तो बढ़िया कूलिंग भाई, वैसे भी ठीक है कूलिंग। तो मैनुअली यूज करो ना इसको, क्यों ऑटोमेटिकली यूज करो? ऑटोमेटिक भाई दिखाना पड़ता है ना। और बाकी भाई बात करें किलोमीटर्स की, तो कितनी चला ली भाई? 41 हो गई है। तो 41 के आसपास हो चुकी है भाई, आप देख सकते हो। एक सेकेंड, हाँ अब दिख गया होगा। तो मतलब बेसिकली इसकी 4 सर्विस हो चुकी है। हाँ अभी कराई है थोड़े दिन पहले ये वाली सर, क्योंकि ना मैंने ना ये हुआ था कि ना जब वो 30,000 वाली थी वो मैंने कराई थी 30,300 कुछ पे, तो मैं इस बार 40,000 कुछ पे लेके गया था इसको। अच्छा, तो मतलब वहाँ अभी 500 कुछ चलाई है मैंने, मतलब ये ना सर्विस। तो सर्विस कॉस्ट की बात करें तो कितनी पड़ गई थी? वो एक सीक्रेट है। क्यों? मतलब कि लोग ऐसे बोलते हैं कि ना भाई, अपने ना हुंडई में चलती है, मतलब दोस्त है हुंडई में, तो उसने मेरे को बोला, मतलब बोले वैसे, मतलब जो ऐसे नॉर्मल पर्सन को जो पड़े वो बता दो यार, आइडिया तो देना ऑडियंस को। नॉर्मल पर्सन को भाई आप चाहे फ्री करा रहे हो। क्या? नहीं फ्री नहीं करा रहा, मतलब मैं बस भाई सब्सक्राइबर्स को यही बोलूंगा कि ना भाई कंपनी में कराओ, 1,000 रुपए का ही फर्क आएगा बाहर से और अंदर से। अगर नॉर्मल सर्विस वाली कराओगे, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे इंजन ऑयल चेंज करा है, वो बस 1,000 रुपए का फर्क आएगा और ज्यादा फर्क नहीं आएगा। बाकी सिस्टम बाहर कराते हो फिर वो खराब हो जाता नहीं है? ऐसा नहीं है, बाहर तो बहुत सस्ती पड़ जाती है। नहीं भाई अब सेम ही पड़ेगा, मैंने मतलब बाहर I20 की बारी कराई थी। मतलब कोई न्यूज़ की भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है भाई, जाकर आप चैनल पर देख सकते हो। मेरा पर्सनल व्यू है कि भाई कंपनी में कराओ। वो भाई देखो सब्जेक्टिव है, किसी को कंपनी में कराना पसंद है, किसी को बाहर कराना पसंद है। चक्कर क्या है ना, कंपनी वाले भाई मेरे हिसाब से कर नहीं पाते सर्विस। नहीं ऐसा क्यों? पागल बनाते हो? नहीं यार मेरे को तो ऐसा लगता है, 4 सर्विस करवाने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि अब मतलब हमारे सर हुंडई वाले हो ना आप? नहीं मारुति भी, मतलब कि वो सर उनके पास है, इग्निस है। अच्छा, उनकी पहली सर्विस होगी अब, तो मैं ब्लॉग शूट करूंगा, तो मतलब कि उन्होंने सोच समझ के लिया, मतलब कि उनको मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज है इस चीज में। तो हमारे पास सारी कंपनी की गाड़ी है, टाटा हो गई, सुजुकी हो गई, इग्निस हो गई, सियाज हो गई। बढ़िया बढ़िया। अभी सर ने ब्रेजा लिया। नहीं फिर भी अगर कॉस्टिंग की बात करें तो कंपनी में क्या सर्विस कॉस्ट पड़ी आपको? क्वेश्चन तो हमारा वही का वही है, 4,000 पड़ती है साहब। मुद्दा तो अभी तक वही का वही है, आगे तो 4,000 तक पड़ती है भाई, 4,000 के लपेटे में ले लो, 4,000 के लपेटे में ले लो भाई सर्विस कॉस्ट पड़ जाती है। और माइलेज की बात करें तो, माइलेज की बात करें तो भाई मेरे को सिटी में 23rd दे देती है। 23 की? हाँ सिटी में। हाँ अरे भाई साहब, पेट्रोल पे नहीं, सीएनजी भाई, अभी 16 दिखा रही है क्योंकि चला ही नहीं है भाई। 23 की माइलेज सुन के तो मेरे धोते उड़ गए भाई। दे देती है भाई, सही देती है माइलेज भाई वो, मतलब सीएनजी पे नहीं, मैं पेट्रोल पे सोच रहा था। नहीं नहीं पेट्रोल पे, सीएनजी के हिसाब से तो कम है भाई। सीएनजी के हिसाब से कम नहीं है, कम पता है, मतलब ठीक ठाक है मारुति के कंपेयर करें तो। मारुति भाई थोड़ी हैवी गाड़ी भी तो है। सही बात है, थोड़ा और ना एसी चलता रहता है भाई, एसी नहीं रुकता, और ना एसी चलता रहता है, और ना मतलब ये मैं थोड़ी रफ भी चलाता हूँ। वो सिटी में भाई थोड़ी बहुत कम आती है। हाईवे पे वैसे मैक्सिमम क्या? हाईवे पे मैक्सिमम भाई मैं मीटर में बताऊंगा ना, मीटर के हिसाब से बताता हूँ, 40 तक दिखा देती है मीटर में। अच्छा सीएनजी पे बढ़िया दिखाती है मीटर में 40। बढ़िया, सीएनजी की माइलेज दिखाता है इसमें? हाँ सीएनजी मतलब की उसी में दिखाती है, मतलब ये एसी को 0 पे करके देख लेते हैं, क्योंकि चलानी तो सीएनजी पे, तो पता चल जाता है सीएनजी का ही। तो मतलब ये बताता हूँ कि भाई ये एक टैंक में ना चंडीगढ़ पहुंचा देती है, वो चंडीगढ़ लिखाते ना बिल्कुल, मतलब लमसम 250 किलोमीटर। 250 पूरा 250 ही है चंडीगढ़, वो बोर्ड लगा हुआ है चंडीगढ़, तो मतलब एक टैंक में। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई बाकी बात करें इसके इंटीरियर की, तो आप देख सकते हो भाई स्पोर्ट्स में भाई कितना प्रीमियम इंटीरियर आता था। साथ ही में प्रीमियम तो छोड़ो, ये इसकी क्वालिटी भी भाई वैगनार से तो बहुत बढ़िया है, फार बेटर है भाई। और भाई बटन की बताऊंगा, प्रीमियम क्वालिटी इनकी भी है, मतलब कि ना मतलब कि मेरे को अभी मतलब कि ये है कि मतलब अभी 3 साल हो गए हैं, मतलब कि 3 साल हो ही जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मतलब देखो रद्दड़ से हो गए, मतलब कि सही चल रहा है सब चीज, मतलब 3 साल में सब दबा के यूज किया हमने तो। अच्छा मतलब बेसिकली गाड़ी यूज करने के लिए ली है। हाँ भाई रनिंग बहुत है अपनी, मतलब देख लो ना 3 साल में 41,000 चला दी भाई, 3 साल हुए भी नहीं है, कब होंगे 28 नवंबर होंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, 3 साल तो भी ना भाई पेल रखे गाड़ी भाई, ऐसी बात नहीं है, बार बार बहुत देगा वो तो भाई। देखो सही है, क्या नाम है, लो तो भाई दबा के वो चलाने के लिए लिया भाई, गाड़ी खड़ी करने के लिए कौन लेता है भाई, खड़ी करने के लिए भी लेते हैं बहुत से लोग लेते होंगे भाई, हमें तो मिलते नहीं भाई वो लोग। और भाई बाकी बात करें गाड़ी की तो सही परफॉर्मेंस है बाकी। अगर भाई आज के टाइम में आपके पास 7 लाख रुपए 7.5 हो, कितने की पड़ी थी ये, 740 समथिंग, 7.5 लाख रुपए दे दिए जाए आपको, तो आज आप किसकी तरफ जाओगे? मैंने बताया ना कि भाई मैं न्योस ही लूंगा, नेक्स्ट न्यो इसका फेस लिफ्ट ले लूंगा। अच्छा, जो इसका फेस लिफ्ट आ रहा है या फिर और ले लूंगा। अच्छा, मैं हुंडई पे जाऊंगा, रहना आसपास ही है भाई यार, मेरे को पसंद नहीं भाई मारुति ना, सर के पास वैगनर थी तो ना वैगनर भी बहुत चलाई है और इग्निस भी मतलब ऑलमोस्ट चलाई है, तो ना वो प्रीमियम ना सोना मतलब कि वो कंफर्ट और जोन ना मतलब मिल नहीं पाता, मतलब ऐसे ना रद्दर सा लगता है थोड़ा बहुत ना भाई, मजाक की बात नहीं है। और बलेनो भी है हमारे पास ना, मतलब हमारी पूरी एडवोकेट्स की ना टीम है, तो उनके पास अलग अलग सबके पास अपनी पर्सनल गाड़ी है, होंडा सिटी भी है, टाटा टियागो भी है, नेक्सॉन भी है, सियाज भी है, ब्रेजा भी है, सेंट्रो भी है, बलेनो भी है, तो सब चलाएंगे भाई, मर्सिडीज भी है। अच्छा, तो ये ना कि सब चलाइए, तो ऐसी बात तो भाई कुल मिला के मतलब हुंडई है ना, ये एंट्री सेगमेंट में थोड़ी प्रीमियमनेस दे देती है और साथ ही में भाई मतलब पॉकेट फ्रेंडली भी है, तो आपको भी अगर लेना है तो भाई नया वाला वेरिएंट जो इसका आ चुका है, मतलब वो फेसलिफ्ट आप चेकआउट कर सकते हो, पुरानी तो अभी मिलेगी नहीं आपको। नहीं मिल जाएगी पुरानी, अगर किसी का स्टॉक पड़ा हो तो मिल जाएगा, पर ना ये बिल्कुल कि मैं कल गया था, मतलब कि कल परसों गया था, तो ना उसका इंटीरियर अंदर से सब सेम ही है, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, उन्होंने यहाँ पे दे दिया कंसोल, थोड़ा बढ़ा दिया कंसोल, एम्बियंस लाइटिंग दे दी उन्होंने। अच्छा, हाँ एम्बियंस लाइटिंग दे दिया और एक दो फीचर ऐसे सी टाइप का सॉकेट उन्होंने बढ़ा दिया इसमें। अच्छा, सी टाइप लगा दिया। हाँ सी टाइप लगा दिया भाई, आज के जमाने के हिसाब से सी टाइप बहुत जरूरी है भाई, आप आज के टाइम में जरूरी है सी टाइप, सी टाइप तो बहुत जरूरी है। एसयूवी में देखा था पहले, एसयूवी में आया था, अब इसमें भी आ रहा है, सब में आ रहा है। चलो भाई नाम लिया और अच्छी हुई हाजिर, वही तो भाई। वैसे बहुत मजा आया भाई आपकी ये देख के, क्या नाम है, ग्रैंड आई 10। बाकी मैंने सोचा नहीं था कि ग्रैंड आई 10 इतनी अच्छी खासी है, परफॉर्म कर देती है, स्पेस भी अच्छा खासा है। मैं तो भाई देखो इतना ज्यादा कुछ मतलब बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ अदर कंपनीज का, मारुति है तो मारुति वाले ही हैं। नहीं ठीक है, अच्छी बात है भाई। नहीं मैं भी और कंपनी का फैन नहीं हूँ भाई इतना, मारुति तो मारुति अपना, तुम्हारे मारुति तो अपना हुंडई कट्टर फैन है। कट्टर फैन नहीं भाई, शुरू से i20 चलाया, i20 के बाद स्विच करने का मन नहीं, चक्कर गया ना भाई मेरे को, है ना इसके गियर बॉक्स में लैग लगता है थोड़ा भाई, करके देख लो, क्लच दबाता हूँ देख लो। नहीं ऐसे पता नहीं लगेगा, लैग पता क्या, मैं बताता हूँ लैग ना इसके रिवर्स में, खाली वो i20 के रिवर्स में भी है। नहीं आप है ना ड्रैग करके देखोगे बेसिकली, तो उसमें वैगनर 1000 cc है भाई, वो भी आगे निकल जाएगा। मैं ड्रैग करके देखी नहीं भाई कभी, करी नहीं वो बात अलग है, लेकिन किसी दिन आपके ड्रैग के लिए कर लेंगे। चलो कोई नहीं, अगर ड्रैग रेस भी भाई जल्दी प्लान करते हैं, बाकी भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस भाई आपके लिए लाते रहेंगे। और भाई का भी चैनल है भाई, किस नाम से? भाई रौनक मोटर एजी है, और मैं अभी बाइक की वैगनार का भी शूट करने वाला हूँ, तो भाई वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना। तो भाई मेरी वैगनार के बारे में अगर अच्छे से लेटेस्टली आप देखना चाहते हो ना क्या क्या हो रखा है, तो जाकर भाई के चैनल पे वैगनार के लेते हैं भाई, थोड़ी हुंडई से थोड़ा करते हैं भाई का काम। चलो भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, बाकी मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।